कोई साढ़े ते सिचुएशन आ जाती है असं रिएक्शन दे विच करते हैं तो रिएक्शन दे विच बाला कोई फायदा नहीं होता। मैं सच्ची दसा गौरमेंट की कर रही है उहदा तुसीं एग्जाम्पल लै लो, गौरमेंट कन्फ्यूज कर रही है जो आपां वार च जिहड़े सिख ने ना अंडर सीज ने आपां इत्थे कैनेडा च बैठे आपां नूं लगदा आपां कंफर्ट जोन च आ सकदे विच क्योंकि असीं लिबर्टी नूं माण रहे हां इत्थे, पर पंजाब च नहीं। मैं तो वैसे जो तो जमिया मैं तो देखा नहीं कोई ना कोई स्ट्रगल चलती रही है, चाहे जो तो मैं जवानी के पैर धरिया 78 के मैं नौवीं क्लास च पढ़ता सीगा तो उदो दरबार साहब तो सिंह गए रोकण वास्ते नरकधारी उत्थे गोली चल गई, असं उस सारी चीज़ देखी हैं। वैसे गौरमेंट हमेशा कन्फ्यूज करती है, अज भी कन्फ्यूजन है अपने आप बैठे हैं अपने मन च कन्फ्यूजन हैगी है कि नहीं दसो सारे जन च कोई भी कि की अमृतपाल सिंह गिरफ्तार है कि नहीं हैगी है ना। पर फिर भी आप मैं थोड़े तो सहमत हाँ ना, पर काफ़ी अच्छी कन्फ्यूजन क्रिएट की है गौरमेंट का वैपन का। जो वार च होंगे ना वार के दो वैपन बड़े यूज किए जाते हैं, वह वैपन जरा होंगे कन्फ्यूजन दुश्मन को कन्फ्यूज कर, दूजा फिर सरप्राइज। हम एग्जाम्पल दिना भी सिखा ने किमें सरप्राइज की है, शायद तुम गल समझ आ जाए रिएक्ट बाद हो रहे। इतने काफ़ी सिंह बैठे हो गए या बजुर्ग हो गए, जो 84 हुई सी ना जून 84 कौम के एक तरह का डिप्रैशन छा गया 84 के, पर जिदण 31 जनवरी इंदिरा गांधी का एक्शन होया ना कौम के एक नवी लहर चल पी, वह साडा सरप्राइज अटैक सी। यह आती सरप्राइज किसी नहीं पता, किसी नहीं पता जिन्हें मर्जी कह लेन। मैं विमल कौर खालसा आप पूछा 1992 मैं क्या भी भाजी ने तेन कहा मैंने तो जो पुलिस वाले फड़न आ गए ना हॉस्पिटल मैं पता लग्या दिस इज कॉल सरप्राइज, कौम इदा सरप्राइज के नाल जिहड़ा हैगा जवाब देने पैने। एक होर उन्हें गल की से पिछली जो अपनी मीटिंग हुई उदो भी कहता कि जिहड़ी साडियां कौमी स्ट्रैटजीज ने वह अंडर गार्ड होनी चाहिए, लुको के रखनी चाहिए, सानू दसन की लोड़ नहीं किसी को। असं 200 पुत्र बैठे हाँ सानू तो पता ही ना आप कर रहे हैं, ना ही सानू कहीं सोशल मीडिया से पाने की लोड़ है, वह भी सरप्राइज दो उन्होंने जोड़ा देना। आ भी सरप्राइज ही ना जो एक दिन पहले ही आप अनाउंस किया ना, ता ही आप कामयाब हुए हैं 25 साल के सन 95 मैं देख रहा आया तो पहला था, पर 25 साल के बैठे बंद रजीत होनी बैठे पुराने बंदे कभी यदा हाथ पिया ही नहीं, पर उन्होंने भी जरूरत अपन चैलेंज किया असल उन्होंने साढ़े विचकार आके और खास करके अपना गुरद्वारा साहब है दशमेधर बार उत्थे पिछले पास आकर उन्होंने उन्होंने शरारत सी और शरारत का जवाब दिता। हाँ मैं ओपनली कहना मैं वायलेंस के खिलाफ हाँ, मैं चाहता भी नहीं आप डिसिपलिन रहीए इस मुल्क रहीए, पर कि ना कि सारे सह बढ़ी सकते हो बल बलेवर मैं जो कुछ हो गया ठीक है, पर आप जो पब्लिकली प्रोटेस्ट करने जो कि एक डेमोक्रेटिक टूल है वह आप जरूर कोशिश करिए पुलिस वगैरह के नाल बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन च ना पीए, ताकि क्योंकि मैं ये देखा हुआ जो तो कोर्ट च बंदा जाता कला ही हुंदा वो सिचुएशन बने वो आप नहीं बना रहे बना सरकार रही है, तो भारत सरकार की डिप्लोमैटिक समझने की कोशिश करो जो डिप्लोमैटिक है मिशन का मतलब की आ कि उन्होंने उस मुल्क दियां गल्लां ने वो इत्थे करनियां ते उन्होंने अपना जिहड़ा कंट्रोल रखना। दिस इज वट दे आर आईज एंड ईयर्स ऑफ दैट गवर्नमेंट नॉट अस, आप अपनी आईज एंड ईयर्स नेशन दी आपां ने सिख कौम दी आपां वा, कौम नूं किवें लैके जाणा किवें स्ट्रैटजी बनानी है ये बहुत लोड़ आ। हाँ जिहड़ी एक होर बहुत सोहणी गल की आ इहनूं इंग्लिश दे विच जदों तुसीं प्लैनिंग करदे हो खास करके बिजनेस दे विच जां पढ़ाई लिखाई दे विच, ओह मैं कहदी कहदी कहिंदा हुंदा वी प्लैन ए एंड बी, पर प्लैन मैं सी तक रखदा हुंदा। प्लैन ए आ कि अमृतपाल नूं जे लंबे समय तक गिरफ्तार करके रखी रखिया तो अपनी की स्ट्रैटजी है बाहर बैठिया की, तो उत्थे जिहड़े बंदे सरफेस ते आ जेकर और इत्थों डरना नहीं चाहीदा, जेकर उन्होंने किसी हालत सरकार एलीमीनेट कर देती है फिर साड़ी स्ट्रैटजी की है। ये स्ट्रैटजीज जिहड़ियां ने क्योंकि सिख नहीं मौत तो डरते, शहादत अपन गुरु साहब ने सिखाई, डिसेंट भी पहले गुरु साहब ने सिखाया जो तो सारे बंदे बैठे थे मुसलमान ही राज कर रहे थे मुसलमान ही धाड़वी सके, पर गुरु साहब ने तो
उठ के चौंक दे विच ललकारता सी ना बाबर नूं, आपां जिहड़ा डिसेंट कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं असीं आपां आप नहीं कर रहे, सानूं गुरु ने सिखाया। और जिहड़ा अमृतपाल है चाहे आपां उहनूं मिले या नहीं मिले अपना गुरु भाई है, चेता रखियो। सिख ते सिख आपां गुरु भाई हैं क्योंकि आपां गुरु दे सिख। और कोशिश ये करनी चाहिए है, मैनू तो इन्नी कोई